हाय फ्रेंड्स, दिस सुरेंद्र अय्यर फ्रॉम वेली वेली वर्कशॉप। सो वेलकम टू टुडेज वीडियो। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है अगर आपको पैसिव इनकम कमाना है राइट थ्रू आउट योर लाइफ। ठीक है, सो वॉच टिल द एंड। आई विल बी गिविंग यू सर्टन पैसिव इनकम सोर्सेस बताने वाला हूँ ताकि आप पैसिव इनकम कमा सके थ्रू आउट योर लाइफ विदाउट हैविंग टू वर्क फॉर इट। ठीक है, तो वीडियो मैं आपको 8 से 9 सोर्सेज बताऊंगा रिगार्डिंग पैसिव इनकम सोर्सेज। So do watch till the end, you'll get a lot of information which can be useful to start your passive income. ठीक है, तो सबसे पहले हमको जानना है कि passive income क्या है। What is passive income? Passive income is that income which you don't have to work for. आपको काम नहीं करना है उसके लिए, समझ गए? Like अभी आप रात को सो रहे हैं फिर भी आपका पैसा multiply हो रहा है, that is passive income. That is involving zero efforts. आपका कोई effort नहीं जा रहा है उसमें, वो passive income है, या minimum effort जा रहा है वो भी passive income है. Even when you're sleeping, you're making money. You're eating, you're making money. You're going on a holiday, फिर भी आप पैसा कमा रहे हैं, फिर भी you're making money. That is passive income. ठीक है, passive income से ही आप wealthy हो पाओगे, ठीक है, in the future. ठीक है, और जो active income है, that is your working income. तो आप काम कर रहे हो तो पैसा आएगा, काम बंद कर दोगे पैसा नहीं आएगा। बट पैसिव इनकम क्या है, चाहे आप काम करो या ना करो फिर भी आपके पैसे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, दैट इज पैसिव इनकम। ठीक है, द वेल्दीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड ऑल्सो फोकस ऑन पैसिव इनकम अपार्ट फ्रॉम द एक्टिव इनकम। ठीक है, अगर वो चाहे तो 5 साल 10 साल 20 साल काम नहीं करे तो भी उनके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे, दैट इज पैसिव इनकम। तो ये आपको पैसिव इनकम अभी से स्टार्ट करना है, इट इज नेवर टू लेट, यू हैव टू स्टार्ट इट राइट नाउ, राइट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। यू हैव टू स्टार्ट पैसिव इनकम इफ यू वॉन्ट टू बी वेल्दी और क्रिएट वेल्थ इन द लॉन्ग टर्म। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है लॉन्ग टर्म में, यू हैव टू स्टार्ट इट बिगिनिंग टूडे। ओके, सो पैसिव इनकम का मतलब समझ गए आप, विच यू डोंट हैव टू वर्क फॉर। कोई और आपके लिए काम कर रहा है, या someone is working for you, your bank is working for you, or stock is working for you, but you are not involved in it. Aap involved nahi ho, fir bhi aapka account mein har mahine paise aa rahe hain. That is passive income, which makes you wealthy in the long term. Theek hai friends? So let's start. Ye kaun-kaun se sources hain passive income ke? You must be knowing some of the sources, but today I'm going to tell you 8 to 9 sources which you can create and start earning passive income, and आपके account में हर महीने हर साल पैसे आते रहेंगे, but आप कोई काम नहीं कर रहे हैं या zero काम कर रहे हैं फिर भी आपके account में पैसे आ रहे हैं। ठीक है, so the first source of income, आप चाहे तो आप notepad पे या notebook में लिख सकते हैं, you can note it down in your notebook or a notepad. The first source of income is writing a book. Suppose you have knowledge, you have a skill, तो आप वो बुक में लिख सकते हैं। यू कैन स्टार्ट विद एन ई बुक ऑल्सो, ई बुक कैन बी ऑफ 10 pages, 20 pages, 50 pages, 100 pages ऑल्सो, मिनिमम 10 pages ऑल्सो इज एनफ फॉर एन ई बुक। सो वॉट एवर नॉलेज यू हैव, यू कैन पब्लिश अ बुक और एन ई बुक, डिपेंडिंग वॉट नॉलेज यू हैव, विच टॉपिक यू आर स्पेशलाइज इन, एंड यू कैन पब्लिश इट। ठीक है, तो आजकल बहुत सारे लोग, अब सुना होगा कि बुक्स लिख रहे हैं। Whatever knowledge you have regarding any topic, कोई भी topic पकड़ लो, sports हो, nutrition हो, या कोई भी topic हो, IT हो, engineering, doctor, medical, dental, any, pick up any topic which you are good at and publish a book or an e-book. And ये जो book है आपको ये life long returns देंगे, royalty income. ठीक है, it's not a one time income. आपको royalty income हर महीने आपके account में आते रहेगा for the rest of your life, और बाद में आपके बच्चों को भी जाएगा। ठीक है, इनहेरिटेंस में वो भी आपको, उनको आपके बच्चों को भी वो रॉयल्टी इनकम मिलता रहेगा लेटर ऑन। ठीक है, सो इट्स अ लाइफ लॉन्ग इनकम फॉर द फैमिली, नॉट ओनली फॉर यू, फॉर द फैमिली, इफ यू पब्लिश अ बुक एंड पब्लिश एन ई बुक और अ बुक एंड पब्लिश इट। ठीक है, राइट अ बुक एंड पब्लिश इट, सो दैट्स अ रॉयल्टी इनकम आपको हर महीने मिलते रहते हैं। जस्ट बाय राइटिंग अ बुक यू कैन मेक ह्यूज मनी, ह्यूज रॉयल्टी इनकम। तो आपके सिर्फ एक टाइम इन्वेस्टमेंट है बुक में, बुक आपको एक बार लिखना है, उसके बाद लाइफ लॉन्ग रिटर्न्स, हजारों
परसेंट में रिटर्न मिल सकता है अगर लाइफ लॉन्ग देखा जाए तो। ठीक है, एक बार आपको सिर्फ बुक लिखना है और बाद में आपको कुछ नहीं करना है, बुक ऑटोमेटिकली सेल होते रहेगा, आपके अकाउंट में मनी आता रहेगा। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ, दिस इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ पैसिव इनकम आई एम गिविंग यू टू पब्लिश अ बुक और एन ई बुक विच विल गिव यू रॉयल्टी इनकम फॉर यू एंड योर चिल्ड्रन लेटर ऑन। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम। द नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम विच इज स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, वी आर टॉकिंग अबाउट पैसिव इनकम, हम एक्टिव इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, लाइक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या स्विंग पोजिशनल ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आप स्टॉक मार्केट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वो आपको रिटर्न मल्टीप्लाई करते रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू विल गेट अ मैसिव रिटर्न। तो ऐसे नहीं कि आपको एक साल में, बट स्टॉक मार्केट अगर आप इन्वेस्टमेंट में जाओगे, नॉट ट्रेडिंग, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट में, तो इन्वेस्टमेंट में यू हैव टू इन्वेस्ट एटलीस्ट फॉर मिनिमम 7 to 10 years सो दैट यू गेट पैसिव इनकम। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ 5 to 7 years और 10 years मैक्स, मिनिमम 7 to 10 years आपके पास एक वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड वेल्थ क्रिएशन थ्रू स्टॉक इन्वेस्टमेंट, नॉट ट्रेडिंग राइट नाउ। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट में आप स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यू कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स और FDs, ये सारे पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम है थ्रू स्टॉक मार्केट और थ्रू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट राइट नाउ। ठीक है, तो स्टॉक शेयर्स आप खरीद सकते हैं, ऑफकोर्स विद प्रॉपर नॉलेज, आपको कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा शेयर खरीदना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है। सो दैट इज वन ऑफ द पैसिव सोर्सेज ऑफ पैसिव इनकम अलॉन्ग विद स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, FDs, ये सारे these are all sources of passive income. ठीक है, तो ये दूसरा सोर्स बताया मैंने आपको, फर्स्ट वन इज पब्लिश अ बुक और एन ई बुक। Nowadays it's not difficult to publish an e-book. बहुत ही आसान है, कोई भी पब्लिश कर सकता है बुक, एंड यू गेट रॉयल्टी इनकम थ्रू आउट योर लाइफ, अगले पूरे लाइफ में, और आपके फैमिली को, आपके चिल्ड्रन को भी मिलता रहेगा। नेक्स्ट वन इज स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स, नॉट ट्रेडिंग माइंड यू, स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 7 to 10 years यू कैन जनरेट ह्यूज वेल्थ। ठीक है, तो आपका फ्यूचर आपका सिक्योर रहेगा इससे, प्लस इनकम आते रहेगा पैसिव विदाउट हैविंग टू वर्क फॉर इट। ठीक है, इन्वेस्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली और थ्रू म्यूचुअल फंड्स और FDs, ये सारे एक्टिव पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम है। ठीक है, FDs में क्या, यू विल गेट लेस रिटर्न कंपेयर टू इन्फ्लेशन, सो स्टॉक इन्वेस्टमेंट, बट यू कैन इन्वेस्ट सम पोर्शन ऑफ योर अमाउंट, सम परसेंटेज हम FDs में डाल सकते हैं, नॉट ऑल द पोर्शन, बट स्टॉक इन्वेस्टमेंट भी करना है फॉर पैसिव इनकम, and for and you can invest through mutual funds also for passive income. ठीक है, so this is the second source which I told you. अब जो तीसरा source है वो है gold. ठीक है, तो like India में gold traditionally बहुत ही famous है among Indians. Indians women specially love gold, buying gold, physical gold, gold ornaments. But do you know you can also invest in gold directly on your app, on your mobile phone. एक क्लिक में आप डिजिटल गोल्ड बाय कर सकते हो, which you can also convert it into physical, but digital gold आप बाय कर सकते हो अभी एक क्लिक में, एक सेकेंड में आप बाय कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक तरह का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो जो भी आज का गोल्ड प्राइस है, यू डायरेक्टली बाय, गो ऑन दैट ऐप, देर आर सर्टन एप्स वेर यू कैन डिजिटली बाय गोल्ड। तो आप जो भी जितना, 1 रुपए का भी गोल्ड खरीद सकते हो, 100 रुपए का भी खरीद सकते हो, 10 रुपए का भी खरीद सकते हो, सो देयर इज नो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। तो आप गोल्ड हर महीने यू कैन इन्वेस्ट, एवरी मंथ यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड, डिजिटल गोल्ड आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट फिजिकल गोल्ड, गोल्ड जाके खरीदना नहीं बोल रहा हूँ, डिजिटल गोल्ड जहाँ पे मेकिंग चार्जेस भी नहीं होते, 0 मेकिंग चार्जेस, आपको 100% आपको शेयर मिलेगा गोल्ड का। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड सोर्स ऑफ इनकम बाय डिजिटल गोल्ड with the one click on your phone, आप डिजिटल गोल्ड 1 रुपए का भी खरीद सकते हैं या जो भी अमाउंट है, 1 लाख का भी खरीद सकते हैं, 5,000, 2 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए, whatever is your amount, you can buy digital gold. ठीक है, so this is a third source of investment which is very easy. You don't have to go to the market to buy digital gold. आपके फोन पे ऐप के ऊपर ही आप डिजिटली गोल्ड बाय कर सकते हो, और आपको डिजिटल लॉकर मिलेगा उसके लिए, गोल्ड के लिए। So there you can check your investment कि कितना price है और कितना आपका investment बढ़ा है, gold price ऊपर गया तो कितना आपको profit हो रहा है, वो भी आप
regularly, daily, you can check. So this is the third source of passive income, which is investing in digital gold without making charges. Your gold is your share. Your share is whatever you buy, that is your gold, digital gold. Okay, some people don't know that digital gold bhi hota hai, but I'm telling you, ek app mein download karke aap digital gold buy kar sakte ho immediately within 1 second. Okay, so this is the third source of income, digital gold. Over a period of time, ab digital gold mein aapko return immediately to nahi milega, ek din mein, 10 din mein, 10 mahine mein. But if you stay invested, if you keep investing regularly, some portion in digital gold every month, over a period of 7 years, 10 years, 15 years, you make a huge money, amount of money. Agar aapne 20 saal pehle gold kharida hota digitally, you would have made massive money right now. Agar aap regularly every month invest karte rehte to. Similarly, if you start today to buy digital gold, whatever amount you're comfortable with, main nahi karo ki 1000 hi karo, 5000 hi karo, 5 rupaye se bhi kar sakte ho start. Buy digital gold. And over a period of next 10 years down the line, 15 years down the line, 5 years, 7 years, 10 years, 15 years down the line, your money will keep on multiplying. Aur wo aapka passive income ban jayega. Aur aap kuch kaam nahi kar rahe, phir bhi paise multiply ho rahe. That is very important in passive income without having to work for it. Okay? So this is digital gold. So ye ek aur source of income bataya maine aapko, digital gold. Okay? So note down these points. या वीडियो को फिर से देख के यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट्स. नाउ द नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू इज यूट्यूब. तो यू कैन क्रिएट अ यूट्यूब चैनल फॉर योरसेल्फ. लाइक मेनी इवन 10 ईयर स्टूडेंट्स, 10 ईयर ओल्ड बॉयज एंड गर्ल्स हैव क्रिएटेड यूट्यूब चैनल्स एंड दे आर मेकिंग मिलियंस पर मंथ. सच में दे आर मेकिंग 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 5 lakh रुपीज, कोई कोई 10 lakh रुपीज पर मंथ भी कर रहे हैं यूट्यूब वीडियोज बना के. That is also possible in today's world. ठीक है? तो आप YouTube channel भी start कर सकते हो. If you have some knowledge about some topic, जिस पे आप बात कर सकते हो, you have good knowledge about it, why not share it with the world? ठीक है? तो YouTube videos is one of the ways to generate passive income. सिर्फ आपको video बनाना है, minimum effort से इसमें 10-15 minute का video, और हर महीने आपके account में पैसे आ रहे हैं. Some children are making, even right now, 10-11 year old kids are making huge money in through YouTube channels or through YouTube videos, by making YouTube videos. ठीक है, तो ये भी एक one of the sources of passive income in today's world, especially pandemic में people have scaled up their income through YouTube also. ठीक है, so ये this is one of the sources. तो मैंने ये अब एक और source बताया, making YouTube videos. And in today's world, I would suggest कि आपका एक YouTube channel भी होना चाहिए जो आपको passive income में भी मदद करेगा. ठीक है, so this is the next source, which is YouTube videos. और जो next source है वो है affiliate marketing. Some of you may be knowing, या some of you may not be knowing about affiliate marketing. But affiliate marketing क्या है? Suppose मेरा course है या किसी का भी course है, वो आप course किसी को recommend करोगे, तो जो ओनर है कोर्स का या एकेडमी का या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, वो आपको कमीशन देगा. सो दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग. जैसे सपोज यू रेफर माय ट्रेडिंग कोर्स या ट्रेनिंग कोर्स टू समबडी, सो यू गेट एन इनकम या कमीशन फ्रॉम माय साइड, एंड दैट इज कॉल्ड एफिलिएट इनकम. ठीक है, कोई और रेफर करेगा तो उसको भी मिलेगा. यू कैन रेफर एनी, किसी का भी कोर्स रेफर करेंगे, यू कैन रेफर एनी ट्रेनर्स कोर्स, वो आप रिकमेंड करेंगे किसी को, वो ज्वाइन करेगा, तो यू गेट योर इनकम, योर शेयर ऑफ इनकम थ्रू दैट इंस्टीट्यूट. सो दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग. ठीक है, तो एफिलिएट मार्केटिंग भी आजकल फेमस हो रहा है. सो पीपल आर रिकमेंडिंग द कोर्सेज एंड दे गेट देयर एफिलिएट इनकम एवरी मंथ. सो सम पीपल आर ओनली अर्निंग थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग नाउडेज. आई नो सम पीपल सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं, कोर्सेज रेफर कर रहे हैं लोगों को और उनको पैसे आते जा रहे हैं हर महीने अकाउंट में. तो 10, 20, 50 लोग रेफर करेंगे, सो यू कैन इजीली मेक 50,000 टू 1 लाख पर मंथ. दैट इज पैसिवली, आपको कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ रेफर करना है, बोलना है, एंड पीपल आर जॉइनिंग एंड यू गेट योर शेयर ऑफ इनकम. सो दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग. ठीक है, एक और एफिलिएट मार्केटिंग का है कि यूट्यूब पे आप किसी प्रोडक्ट को एफिलिएट मार्केटर बन सकते हो. लाइक अमेजोन का आप एफिलिएट लिंक आप ले सकते हो, and you can refer some products of Amazon and you get your affiliate income.
तो वो भी आप कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एफिलियट मार्केटिंग। या यूट्यूब पे आप प्रोडक्ट प्रोमोट कर सकते हो एंड यू कैन गिव योर एफिलियट, अमेजोन का भी यू कैन बिकम एन अमेजोन एफिलियट मार्केटर ऑल्सो। अमेजोन पे आप एफिलियट मार्केटिंग लिंक बना सकते हो खुद का आप अपना, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड देन यू कैन रेफर दैट प्रोडक्ट, या आप वीडियो बना के आप उसको प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो या रेफर कर सकते हो, तो अमेजोन विल पे यू सम एफिलियट इनकम टू यू। ठीक है, तो वो भी एक एफिलियट मार्केटिंग का हिस्सा है। ठीक है, सो द नेक्स्ट, नाउ आई थिंक आई हैव टोल्ड यू फाइव सोर्सेज ऑफ इनकम, फाइव और सिक्स सोर्सेज ऑफ इनकम। सो नाउ द नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू इज दिस फ्रेंचाइजी। तो ये हाई लेवल पे है। ठीक है, तो अभी जो मैंने पांच लेवल्स बताए, पांच सोर्सेज बताए, दिस एनी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो इस एनीबॉडी कैन डू इट, बट नाउ एक फ्रेंचाइजी इनकम भी है। सो दिस इज द नेक्स्ट लेवल वेर यू हैव मनी टू इन्वेस्ट इन अ बिजनेस, यू कैन टेक अ फ्रेंचाइजी। जैसे कोई भी फ्रेंचाइजी, आइसक्रीम, अमूल आइसक्रीम, या मैकडोनल्ड्स, एनी फ्रेंचाइजी यू कैन टेक, या बेकर्स बास्केट विच इज अ वेरी फेमस बेकरी इन पुणे। तो कोई भी आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो और आपको कुछ सेटअप एक टाइम इन्वेस्ट करना है एंड देन यू फॉरगेट अबाउट इट, आपका बिजनेस ऑटो मोड पर चलेगा, ऑटो मोड पे। सो यू डोंट हैव टू वर्क, यू हैव पीपल वर्किंग अंडर यू, और आपको हर महीने आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रेंचाइजी। यू कैन टेक अप एनी फ्रेंचाइजी, स्मॉल हो या बिग हो, बट एक ही टाइम इन्वेस्ट करना है एंड द इनकम इज लाइफ लॉन्ग। ठीक है, लाइफ लॉन्ग के लिए आप एक ही टाइम इन्वेस्टमेंट है और लाइफ लॉन्ग आपका इनकम आते रहेगा आपके अकाउंट में। सो दैट इज वन ऑफ द सोर्सेज, गुड सोर्सेज ऑफ पैसिव इनकम, बट दैट इज द नेक्स्ट लेवल। पहले आप ये फर्स्ट फाइव पे फोकस कर सकते हैं, बाद में इसका सोच सकते हैं लेटर ऑन। ठीक है, बट दिस इज ऑल्सो आई एम गिविंग यू ऑल द सोर्सेज, तो ये वन ऑफ द सोर्सेज है। देन द नेक्स्ट सोर्सेज प्रॉपर्टी रेंटल। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है, आपके आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी, यू हैव टू थ्री प्रॉपर्टीज, यू कैन रेंट इट आउट, तो वो भी एक सोर्स ऑफ पैसिव इनकम है। ठीक है, पैसिव, एवरी मंथ यू आर गेटिंग द रेंट, दैट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ पैसिव इनकम, क्योंकि आपको कुछ काम नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू गिव इट फॉर रेंट एंड यू आर अर्निंग पैसिवली फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो ये भी है नेक्स्ट लेवल का पैसिव इनकम है। सो व्हेन यू हैव मनी, व्हेन यू बाय अ प्रॉपर्टी, यू कैन रेंट इट आउट, खुद का घर हो प्लस सम अदर प्रॉपर्टी यू बाय, सेकेंड होम, यू कैन रेंट इट आउट एंड दैट बिकम्स योर पैसिव इनकम फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, कोई काम नहीं करना बट आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ पैसिव इनकम। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्सेस ऑफ पैसिव इनकम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सोर्सेस है, तो वो आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं यूजिंग दीज सोर्सेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यू हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन पैसिव इनकम राइट फ्रॉम टुडे। तो जो भी मैंने आपके सोर्सेज अभी तक बताए हैं, वॉट एवर यू, आई एम नॉट टेलिंग डू इट, सबको आपको फॉलो करना है, सब सोर्सेज को फॉलो करना है या इन्वेस्ट करना है या करना है। यू कैन स्टार्ट विथ वन टू थ्री, एटलीस्ट दो से शुरू कर सकते हैं, बाद में तीन हो जाएगा, चार हो जाएगा, पांच छह सात सोर्सेज हो जाएंगे पैसिव इनकम के, बट एटलीस्ट स्टार्ट। अगर आपके पास कोई भी पैसिव इनकम नहीं है, आज से स्टार्ट तो कर सकते हैं, आप एक रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जस्ट स्टार्ट, जस्ट डू इट राइट नाउ, बिकॉज पैसिव इनकम विल मेक यू वेल्थी इन द लॉन्ग रन। पैसिव इनकम आपको वेल्थ क्रिएट करेगा लॉन्ग रन में। ठीक है, और एक और सोर्स मैं आपको बताऊंगा, विच इज डिजिटल कोचिंग या ट्रेनिंग, डिजिटल ट्रेनिंग। ठीक है, सो नाउ डिजिटल ट्रेनिंग इज द वे टू गो फॉरवर्ड, स्पेशली इन टूडेज वर्ल्ड। ठीक है, तो डिजिटल ट्रेनिंग में क्या है, आप अपना एक कोर्स क्रिएट कर सकते हो। यू डोंट हैव टू बी अ प्रोफेशनल, कि आपको प्रोफेशनल बनना है तो ही आप कोर्स क्रिएट कर सकते हो या ट्रेनिंग ले सकते हो, ऐसे नहीं है। आजकल की दुनिया में आपको सिर्फ वीडियोस रिकॉर्ड करने हैं, इट कैन बी ऑफ वन आवर, हाफ एन आवर, टू आवर्स, एनी ड्यूरेशन, सिर्फ आपको रिकॉर्ड करना है एंड अपलोड करना है एक बार। आप जैसे आजकल एक वेबसाइट्स है, टीचेबल, udemy.com, सो यू जस्ट हैव टू अपलोड दीज वीडियोज ऑन दोज साइट्स एंड यू गेट, लोग आपके पूरे वर्ल्ड से कोर्सेज बाय करेंगे, पूरे इंडिया से कोर्सेज बाय करेंगे एंड यू गेट योर इनकम। So your course can be as minimum as, fees can be as minimum as 600, 500, 1000 rupees and so many people can buy and you get your passive income. Sirf aapko ek baar kaam karna hai, videos create karna hai aur upload karna hai and your passive income starts coming in. Aajkal bahut ye log kar rahe hain,
ऑफ कोर्स आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज. इफ यू हैव द नॉलेज, इफ यू हैव द नॉलेज अबाउट योर सर्विस और प्रोडक्ट और व्हाटएवर यू आर डूइंग अबाउट योर प्रोफेशन, यू कैन क्रिएट कोर्सेज. इवन चिल्ड्रन आर क्रिएटिंग देयर कोर्सेज नाउअडेज एंड दे आर मेकिंग मनी थ्रू दीज डिजिटल कोचिंग प्लेटफॉर्म्स. ठीक है, तो ये भी एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है विच यू शुड डू इन टूडेज वर्ल्ड. दिस विल गिव यू मैसिव रिटर्न्स कमिंग इन द कमिंग इयर्स. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ पैसिव इनकम विच इज डिजिटल कोचिंग. यू डोंट हैव टू टेक लाइव ट्रेनिंग ऑल द टाइम, सिर्फ आपको कोर्स रिकॉर्ड करना है, एक घंटे का हो, डेढ़ घंटे का हो, जो भी हो, एंड अपलोडेड ऑन दोस डिजिटल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स. और आपको कोर्स पूरे वर्ल्ड से लोग बाय करेंगे, पूरे इंडिया से लोग बाय करेंगे, एंड यू कैन स्टार्ट मेकिंग पैसिव इनकम इमीडिएटली. और ये थ्रू आउट योर लाइफ आपको रिटर्न देगा. एक ही बार आज अपलोड किया, 10 साल बाद भी कोई खरीद रहा है, आपको आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं. दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम विदाउट हैविंग टू वर्क फॉर इट, और यू जस्ट हैव टू वर्क जस्ट वंस फॉर इट, एंड पैसिव इनकम आपके अकाउंट में आते रहेगा थ्रू आउट योर लाइफ. ठीक है फ्रेंड्स, सो दीज वॉज सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ पैसिव इनकम विच आई शेयर्ड विद यू. ठीक है, और एक और आजकल ट्रेंड चल रहा है ब्लॉगिंग का. जैसे यूट्यूब वीडियोस है, वैसे एक ब्लॉगिंग भी है. ब्लॉगिंग में यू कैन मेक 20,000-50,000 पर मंथ ऑल्सो स्टार्टिंग में. ठीक है, तो ब्लॉगिंग भी आजकल ट्रेंडिंग है इन टूडेज वर्ल्ड. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ पैसिव इनकम वेर मिनिमम वर्क इज रिक्वायर्ड. सिर्फ आपको 10-15 मिनट देने हैं डेली और आपको अकाउंट में पैसे आते रहे जस्ट बाय ब्लॉगिंग. ठीक है, ब्लॉगिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ पैसिव इनकम. ठीक है, तो मैंने आपको 8 से 9 सोर्सेज बताए. स्टार्ट एटलीस्ट विद वन इनिशियली. मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सब आपको 9 के 9 स्टार्ट करने हैं आज से ही. स्टार्ट विद वन या स्टार्ट विद टू, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विद, एंड देन सी द डिफरेंस. ये आपको रिटर्न देगा ही देगा इन द कमिंग ईयर्स. ठीक है, सो दिस इट विल गिव यू रिटर्न्स. ऐसे नहीं होगा आपको रिटर्न नहीं देगा. एक बार आप पैसिव इनकम स्टार्ट हो गया, देन यू कैन बी वेल्दी विदाउट हैविंग टू वर्क फॉर योर इनकम. ठीक है, एक्टिव इनकम इज डिफरेंट, बट पैसिव इनकम भी आपके लाइफ में आज से स्टार्ट करना है आपको. ठीक है, तो पैसिव इनकम का मतलब समझ गया, द मनी इज कमिंग इन योर अकाउंट विदाउट हैविंग टू वर्क फॉर इट. आप कोई काम नहीं कर रहे फिर भी आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, या यू आर डूइंग मिनिमम वर्क, 10 मिनट काम कर रहे हैं डेली, दैट इज ऑल्सो पैसिव इनकम. ज्यादा आपका टाइम नहीं जा रहा है, सिर्फ 5 to 10 minutes यू आर वर्किंग एंड यू आर क्रिएटिंग पैसिव इनकम फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली. ठीक है, सो दीज आर द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ पैसिव इनकम विच यू शुड स्टार्ट. ठीक है, एंड यू डोंट नीड अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट. हाँ यस, प्रॉपर्टी के लिए, फ्रेंचाइजी के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, बट बाकी के सोर्सेज हैं उसके लिए आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है. यू कैन स्टार्ट विद 1 rupee, 5 rupee, 10, 100, 200, व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद. ठीक है, स्टॉक इन्वेस्टमेंट में भी 1-10 हजार रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं मंथली, मिनिमम 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं मंथली, बट स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ, स्टार्ट इट फ्रॉम टूडे. ठीक है फ्रेंड्स, एंड एवरीथिंग इज ऑनलाइन. आपको कहीं जाना नहीं है, घर बैठ के आपके अकाउंट में पैसिव इनकम आते रहेगा. दैट इज द ब्यूटी ऑफ पैसिव इनकम. ठीक है, और एक समय पे ऐसा होगा आपके पास या जो भी वेल्दी पीपल है कि पैसिव इनकम विल टेक केयर ऑफ योर ऑल योर एक्सपेंसेस, ऑल योर लग्जूरियस लाइफस्टाइल. ठीक है, तो ऐसे उस लेवल पे हमको जाना है कि पैसिव इनकम से ही हमारा सब कुछ, घर भी मैनेज हो रहा है, डिजायर्स भी मैनेज हो रहे हैं. यू कैन बाय एनीथिंग थ्रू पैसिव इनकम. यू आर नॉट वर्किंग. आप एक साल पूरा काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ खा रहे हो, सो रहे हो, तो भी आपके अकाउंट में 20 लाख आ रहा है, 50 लाख आ रहा है. दैट इज द पैसिव इनकम दैट यू हैव टू गो एट दैट लेवल. इमीडिएटली तो नहीं होगा, बट स्टार्ट करेंगे तो ही हो पाएगा. ठीक है, सो सम आई नो सम पीपल हु आर नॉट वर्किंग, मतलब वो एक्टिव इनकम भी कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, बट पैसिव वो काम नहीं करेंगे तो भी आप उनके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे. 10 लाख per month, 20 lakhs per month दे आर गेटिंग इन देयर अकाउंट, प्लस देयर एक्टिव इनकम से भी पैसे आ रहे हैं. That is different. ठीक है, but the day you stop working और आपके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं, that means आप active income पे dependent हो. ठीक है, so start creating passive income right now and let's be rich, let's be wealthy and let's make our country rich, let's make our country rich. India को rich करना है, अपने relatives को, friends को rich करना है. So start it from if everybody starts doing it, we will be
वी ऑल विल बी वेल्दी टुगेदर. ठीक है, तो आज से ही स्टार्ट कीजिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स कि जो भी मैंने आपको सोर्सेज बताए, सो दे विल ऑल्सो बेनिफिट, यू विल ऑल्सो बेनिफिट, एवरीवन बेनिफिट, सो इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी. ठीक है, तो आज से ही पैसिव इनकम स्टार्ट करेंगे. इफ यू फील दिस इज वीडियोस हेल्पफुल और यू कैन स्टार्ट पैसिव इनकम, सो राइट डाउन कि कौन सा सोर्स आपको कंफर्टेबल लग रहा है अभी पैसिव इनकम का टू स्टार्ट. ठीक है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट से भी, एज आई सेड यू डोंट नीड बिग इन्वेस्टमेंट. कौन सा सोर्स आपको कंफर्टेबल लग रहा है या यू थिंक इज गुड फॉर यू, यू कैन स्टार्ट इमीडिएटली टुडे राइट नाउ. You can mention in the comment section. And plus, there are so many apps. You don't have to go anywhere. Digitally, sab kuch ho raha hai. So, ghar baithe baithe, aap passive income create kar sakte ho. Aur long term mein dekha jaye, agle 5-10 saal mein, aap consistently passive income karte rahoge. You will make huge money. I'm telling you. Aur aapka ghar, aapke desires, aapki car, aapka ghar passive income se hi aayega down the line. Because that is the next level, which I'll tell you later on. ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट. स्टार्ट इन्वेस्टिंग टाइम एंड मनी इन पैसिव इनकम राइट नाउ स्टार्टिंग टुडे. ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ईमेल मी, तो ईमेल आप कर सकते हैं मुझे या मैसेज कर सकते हैं इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन रिगार्डिंग पैसिव इनकम. ठीक है, सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन टाइम एंड मनी इन पैसिव इनकम. स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट इवन विथ 1 rupee. And you can generate passive income. Theek hai? Thank you so much, friends. I hope you learned something today and share this video with everyone so that everybody starts earning passive income and makes their life better, your life better, everybody's life better, our whole country's life better. And we will enjoy together and be wealthy together. Okay? Thank you so much, everyone. Thank you for watching. See you in the next video. Thank you. Bye-bye.